बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के ब्रिज कोर्स की यूनिट 13 की एक्टिविटी 5 है ना। यूनिट 13 की जो एक्टिविटी 5 है हम पढ़ेंगे, और इसके पहले की एक्टिविटी हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तथा 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एक्टिविटी 5। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फॉर्म द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर आप अपने कोई जो सेंटेंस दे रखे हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है ना, प्रीपोजिशन दे रखे हैं बॉक्स में बच्चों, प्रीपोजिशन दे रखे हैं बॉक्स में, और उसके आधार पर हमें इसको, इन सेंटेंस को पूरा करना है। तो देखो बच्चों प्रीपोजिशन में हमें दे रखा है, प्रीपोजिशन में हमें दे रखे हैं, प्रीपोजिशन में हमें दे रखा है एट, इन, फ्रॉम, टू है ना, एट, इन, फ्रॉम, टू, ये चार प्रीपोजिशन दे रखे हैं। इनके आधार पर हमें ये चार सेंटेंस पूरे करने हैं। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। पहला है थिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग ए रोड हुलिकल कुदूर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो थिमक्का एंड हर हस्बैंड, थिमक्का और उनके हस्बैंड ने प्लांटेड ट्रीज, पेड़ बोए थे अलोंग ए रोड, एक रोड पर, जो रोड फ्रॉम, क्या आएगा बच्चों यहाँ फ्रॉम है ना, फ्रॉम हुलिकल टू कुदूर है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हुलिकल टू कुदूर, हुलिकल से कुदूर तक, ठीक है, फ्रॉम हुलिकल टू कुदूर, ये आएगा बच्चों इसमें। उसी प्रकार सेकेंड है थिमक्का वाज बोर्न इन, क्या आएगा बच्चों यहाँ इन गुब्बी कर्नाटका है ना, थिमक्का वाज बोर्न इन गुब्बी कर्नाटका, थिमक्का का जन्म गुब्बी कर्नाटका में हुआ था। द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज द ईयर 2017। तो द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों इन द ईयर 2017। फोर्थ वाला है थिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड ए वेरी यंग एज। तो यहाँ पर आएगा बच्चों एट है ना, एट ए वेरी यंग एज। तो ये बच्चों हमने लगाए थे प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन लगाए थे। प्रीपोजिशन कैसे और कहाँ लगते हैं ये ग्रामर का पूरा एक भाग है बच्चों है ना। तो ये हमने अभी यहाँ पर सरलता से अभी तो कर लिया है, ठीक है। एक्टिविटी है 6। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो यहाँ पर इन सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उनके अपोजिट लिखकर हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है ना। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट करना है सेंटेंस विथ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड के अपोजिट से, ठीक है। तो पहला जो है बच्चों, देखो बच्चों अंडरलाइन कौन कौन से वर्ड है यहाँ पे, रिच, यंग, कंटिन्यूड और लाउड, ठीक है। तो इनके अपोजिट लिखने हमें से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला है द किंग वाज रिच बट ही सर्वेंट्स वेयर। किंग राजा है ना, रिच मतलब होता अमीर, ठीक है, रिच मतलब अमीर है ना, राजा अमीर था, बट ही सर्वेंट वेयर, लेकिन उसके नौकर क्या आएगा यहाँ पे, रिच का पुअर, POOR, पुअर, बट His servants were poor, लेकिन उनके जो नौकर थे वो गरीब थे। सेकेंड जो सेंटेंस है हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड वेन ही वॉज यंग। हिमांशु छोटी उम्र से कठिन परिश्रम कर रहा था, बट ही हैड ए लोट ऑफ मनी वेन ही वॉज, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा था जब वह कैसा था, ओल्ड है ना, जब वह ओल्ड है ना, ओल्ड जब हो गया तो उसके पास बहुत पैसा था। तो यंग का जो अपोजिट है बच्चों आएगा ओल्ड है ना, यंग मतलब युवा, ओल्ड मतलब वृद्ध, ठीक है, ओल्ड, OLD। थर्ड है द GVS स्कूल हैज कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अवार्ड टू टॉपर। GVS स्कूल कंटिन्यूड मतलब नियमित है ना, लगातार या नियमित
अवार्ड टॉपर्स को अवार्ड देने का कार्य वो चालू रख रहा है। बट द HMS स्कूल हैज डेट प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस को या उस कार्य को क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट लिखना हमें कंटिन्यूड का, तो यहाँ आ जाएगा डिसकंटिन्यूड, DISCONTINUED, डिसकंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड के आगे डिस लगने से अपोजिट हो जाएगा ना, डिसकंटिन्यूड डेट प्रैक्टिस। रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेबर्स, रवि और राधा तो कुत्ते से प्यार करते हैं है ना, उनको कुत्ता बहुत पसंद है, उन्हें प्रेम करते हैं, बट देयर नेबर्स हेट HAT हेट डॉग्स है ना। तो यहाँ पे लव्ड का हेट हो गया अपोजिट, कंटिन्यूड का डिसकंटिन्यूड, यंग का ओल्ड और रिच का पुअर। ठीक है बच्चों।